हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल गोगो बीडीएन में। दोस्तों, तो आज मैं लेकर मौजूद हूँ आपके सामने अपना पहला ट्रैवल ब्लॉग। तो इस समय मैं मौजूद हूँ बरेली जंक्शन पर। आज मैं यात्रा करने जा रहा हूँ श्री राम जी की नगरी अयोध्या के लिए। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज बरेली जंक्शन से अयोध्या धाम की ओर। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बरेली जंक्शन, आपको दिखाई दे रहा होगा। और जब आप बरेली जंक्शन से मेन एंट्रेंस अगर आप लेंगे तो एक नंबर पर जाएंगे, पर मेरी ट्रेन जो है वो चार नंबर पर जाएगी, इसलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ चार नंबर, जो कि एक बाहर से ही एक रास्ता सीधा गया हुआ है जहाँ पे एस्केलेटर लगे हुए हैं। तो ये सीधा मैं जाऊँगा चार नंबर पर। ये देखिए सामने एस्केलेटर्स। ये देखिए, ये सामने हो जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर एक, प्लेटफॉर्म नंबर दो जिस पर एक मालगाड़ी है, और प्लेटफॉर्म नंबर तीन जिस पर एक आस्था स्पेशल ट्रेन खड़ी हुई है जलंधर से अयोध्या धाम जंक्शन, जो इस समय अयोध्या धाम जंक्शन से चलकर जलंधर को जाएगी। और सामने आप देख सकते हैं वो है मुरादाबाद की दिशा। और ये हो जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर तीन, और वो प्लेटफॉर्म नंबर चार जिस पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, और उधर प्लेटफॉर्म नंबर छः, उधर प्लेटफॉर्म नंबर पाँच इधर, लास्ट छः उधर, जिससे कि आप कासगंज के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर पाँच से। और अगर आपको लाल कुआँ या बरेली सिटी जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर छः से आप पकड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं ट्रेन की ओर और दिखाते हैं आपको आगे का ब्लॉग। मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर चार पर, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बरेली बनारस एक्सप्रेस खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर चार पर। और चलिए चलते हैं आगे की तरफ अपनी सीट पर। अभी तो ट्रेन चलने में फ़िलहाल एक घंटा बाकी है, तो मैं चलता हूँ सीट पर। एक्साइटमेंट इतना है कि मैं एक घंटा पहले ही स्टेशन पर आ चुका हूँ, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे रवि कुमार, जो मेरे साथ आज यात्रा करने वाले हैं अयोध्या धाम की ओर। तो आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है स्लीपर क्लास में। S3 हमारा कोच है। और ये देखिए इंटीरियर, 56 आई, ये कौन सा 54। तो ये हो जाएगी मेरी सीट, और ये इधर साइड पर रवि की सीट। अभी ट्रेन पूरी तरीके से खाली है, ये देखिए। और साइड में ये मुरादाबाद बरेली पैसेंजर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बरेली जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड हो जाएगा BE, तो यहाँ से इसको बरेली जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो एक्चुअली जो मेन रूट है वो है अमृतसर से हावड़ा वाला, जिस पर ये बरेली जंक्शन पड़ता है, और एक रूट चला जाता है लखनऊ की ओर, एक रूट मुरादाबाद की ओर, और एक रूट जाता है यहाँ से कासगंज की ओर, और दूसरा रूट जाता है लाल कुआँ की ओर, जो कि पड़ता है उत्तराखंड।
इसलिए इसको बरेली जंक्शन कहा जाता है। स्टेशन कोड हो जाएगा BE जो कि ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे NR। फाइनली हमारी ट्रेन को सिग्नल दे दिया गया है और ये हमारे बराबर में खड़ी है बरेली प्रयाग एक्सप्रेस, जिसके रवाना होने का समय शाम को 5:30। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है दूसरे स्टॉपेज बिलपुर स्टेशन, जो कि एक बहुत ही छोटा सा स्टेशन है, देख रहे होंगे आप मेरे पीछे। और यहाँ पर इसको रोका गया है ओवरटेक करने के लिए, जो कि काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पीछे से आ रही है। तो चलिए देखते हैं ओवरटेक काशी विश्वनाथ का। फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं शाहजहाँपुर, जो स्टेशन कोड हो जाएगा SPN और इसे शाहजहाँपुर जंक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो पीलीभीत की तरफ जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको मेजर स्टेशन दिखाऊंगा लखनऊ तक, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और करते रहिए जर्नी वर्चुअली मेरे साथ अयोध्या के लिए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे। फाइनली ट्रेन जो है शाहजहाँपुर से डिपार्ट कर चुकी है।
फिलहाल हम खड़े हैं आजीशाबाद स्टेशन पे, और यहाँ पे भी एक ओवरटेक मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं ओवरटेक। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है हरदोई, जिसका स्टेशन कोड है HRI, और फिलहाल हमारी ट्रेन इस समय एक घंटा लेट चल रही है। और मतलब इस ट्रेन ने ऑलमोस्ट 110 या 120 किलोमीटर लाने में, हो सकता है 130 भी हो, लगा दिए हैं लगभग 4 घंटे। तो भाई साहब बड़ा सर में दर्द हो रहा है, और अब मैं इसके बाद सीधा आपको लेके चलूँगा लखनऊ। तो आप सीधे मुलाकात होती है आपसे लखनऊ में, तक देखिए ट्रेन का डिपार्चर हरदोई से। देखिए ट्रेन डिपार्चर फ्रॉम हरदोई। भैया स्वागत है आपका नवाबों के शहर लखनऊ में। मेरे पीछे देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं लखनऊ, और ट्रेन मुझे ऑलमोस्ट कवर करते हुए अब केवल आधा घंटा लेट रह गई है। तो इस जर्नी में जुड़े रहिए मेरे साथ, और अब हाँ इसके बाद मैं सीधा आपको अपने लास्ट डेस्टिनेशन स्टेशन पे लेकर चलूँगा अयोध्या। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और फिलहाल ट्रेन का डिपार्चर देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ गुड नाइट। तो मिलते हैं सीधे अयोध्या में। जय श्री राम। देखिए आप लोग लखनऊ से डिपार्चर प्लेटफॉर्म नंबर 7 से, और सामने आप देख रहे होंगे गोरखधाम एक्सप्रेस जो कि चलती है गोरखपुर भटिंडा के बीच। Thank you.
पोटेंशियल लिखा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर अयोध्या धाम जंक्शन, और ट्रेन यहां से रवाना होगी और मैं आ गया हूं स्टेशन के बाहर। तो आप देखिए ये स्टेशन कम मुझे तो एयरपोर्ट ज़्यादा लग रहा है, और बहुत ही सुंदर भव्य मज़ा आ गया जिसको देखकर। मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि स्टेशन अंदर से कैसा दिखता है। और तो फिलहाल ये मेरा पहला ट्रैवल ब्लॉग था, तो आप अपना यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी राय है इसके बारे में, कि मेरा कैसा क्या कमियां थी या क्या अच्छाई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके सामने और ट्रैवल ब्लॉग्स लेकर आता रहूं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में रखता हूं इतना ही, और आगे आपको दिखाता हूं अयोध्या धाम जंक्शन को अंदर से उसका इंटीरियर। तो चलिए जय श्री राम, और मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।